हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनल गाइस यहां पर मैंने अपने Redmi 6A डिवाइस में MIUI प्रो रोम को इंस्टॉल कर लिया, जिसमें कि आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं MIUI प्रो रोम यूज़ कर रहा हूं, जो कि MIUI 10 बेस्ड है। ये थोड़ी सी अजीब बात है, MIUI 11 बेस्ड जब आएगी मैं आपको बता दूंगा ये, लेकिन ये थोड़ी पुरानी है जिसमें MIUI 10 देखने को मिला था, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। आपको MIUI 11 जैसे फीचर ही इसमें देखने को मिलते हैं, उससे भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस रोम का फुल रिव्यू करेंगे कि ये रोम आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास Redmi 6A डिवाइस है, अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी मैं इस टाइप्स की वीडियोस लाऊं। तो चलिए यार, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सेटिंग में लेके जाऊंगा, और सेटिंग में माई डिवाइस में हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको Redmi 6A डिवाइस है, मेरे पर Redmi 6A और Redmi 6 दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल कैसे करना है ये मैं आपको देता हूँ। आपके डिवाइस में TRP रिकवरी होना चाहिए, और सब कुछ आपको वाइप करना है, विंडर को भी आपको वाइप कर देना है, उसके बाद जाके इसको फ्लैश कर देना है। अगर आपको फिर भी जानना है कि कैसे इंस्टॉल करना है, नहीं जानते तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, वरना इस वीडियो को एंड तक देख लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको एंड्रॉयड पाई का अपडेट देखने को मिला था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें एंड्रॉयड पाई दिया गया है, तो एंड्रॉयड पाई बेस्ड है। तो ऐसा है कि भाई एंड्रॉयड पाई जब से Redmi 6A डिवाइस में आया, थोड़ा बहुत लैग है, लेकिन इसमें आपको लैग नहीं देखने को मिलता, बहुत ही कम देखने को मिलता है। Redmi 6A डिवाइस सिक्योरिटी पैच जो काफ़ी पुराना है, इस सब चीज़ को हम छोड़ देते हैं, हम मेन मुद्दे की बात करते हैं फीचर्स के। और एक चीज़ मैं बता दूं भाई, इसमें कोई भी आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रोम होती है पेड रोम होती है, इसको बस कुछ लोग लीक कर देते, तो ये वही है। अगर आपको भाई पेड वाली खरीदी, अब उसको खरीदो, उसके बाद इसमें आपको हर फ्राइडे को अपडेट मिलते हैं, जैसे कि नॉर्मल बीटा अपडेट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी जो एनिमेशन है किस टाइप की आपको लग रही है, अच्छी लग रही है ना, तो ये इस टाइप के फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं MIUI प्रो रोम में। और यहाँ पर एक और फीचर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर टच करता हूँ, यहाँ पर मैं सी बनाऊंगा तो मेरा ये कैमरा खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं अलग अलग चीज़ें बनाऊंगा तो यहाँ पर मेरा अलग अलग चीज़ खुल जाती है। तो मैंने कुछ इस तरह से, मैंने थीम वाला डाला हुआ था कि थीम को मैं इस तरह से खोलूँ, तो कुछ इस तरह से ही ओपन होते हैं। तो कुछ इस तरह के फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट भाई फीचर्स के ऊपर। तो फीचर्स में आपको दिखाता हूँ, सबसे एक और चीज़ में फीचर दिखा देता हूँ। थीम से हम जाते हैं, यहाँ पर माई थीम्स में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें बूट एनिमेशन और बूट ऑडियो का देखने को मिल जाता है, जो कि Redmi 6A डिवाइस में नहीं था, लेकिन इसमें है। आप बूट एनिमेशन बूट ऑडियो भी लगा सकते हो, कोई भी सैमसंग वीवो जो भी थीम में अवेलेबल होगी वो आपकी लग जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, बैटरी में यहाँ पर बैटरी आइकन नहीं है, ओनली फॉर परसेंटेज है। इस तरह की आप कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे करना सब कुछ बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार ये रोम। और थीम को मैंने खोल लिया, तो थीम की और बात कर ले। इसमें आप देख सकते हो, मैंने कोई भी थीम डाउनलोड नहीं की है, सारी की सारी थीम जो ये पहली से आई है, इतनी सारी थीम्स इसमें आपको पहली से देखने को मिल जाती है, आपके जो मन में आए वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर अब हम इसे छोड़ देते हैं। बाकी इसमें यार आपको कस्टमाइज देखने को मिल जाता है, यहाँ पर थीम लैब देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर भी लगा सकते हो, कुछ इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, MIUI 11 जैसा लुक है इसका, बिल्कुल A to Z, क्योंकि जब MIUI 11 की टेस्टिंग चल रही थी उसी टाइम ये रोम बिल्ड किया गया था, और MIUI 11 का ही ये एक रोम मान लीजिए। लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो आपको लॉक स्क्रीन में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, सेम टू सेम है। लेकिन डिस्प्ले में आप जैसे जाओगे तो डिस्प्ले में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, डार्क मोड आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पर एनिमेशन का, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एनिमेशन जो अभी मैंने ये लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जिसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पर कोई भी एनिमेशन मेरे को नहीं देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, कोई भी एनिमेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एनिमेशन को क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने वेव वाली कर दी, अब आप देख सकते हो, अब जो एनिमेशन है वो बिल्कुल अलग है, कुछ इस टाइप के आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लगती है। तो आप बताना आपको कौन सी एनिमेशन लग रही है, आप उस एनिमेशन को लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने को मिल जाती है। और इस एनिमेशन का एक और ये चीज़ है कि आपको एनिमेशन किस तरह चाहिए, आप देख सकते हो, अब जो एनिमेशन हो चुकी है ये काफी बढ़िया देखने में लग रही। तो इस तरह के कि आप एनिमेशंस वगैरह इसमें लगा सकते हो, जो कि काफी बढ़िया देखने में लगती है। तो आप मेरे को बताना कि ये एनिमेशन आपको किस तरह लग रही है। तो प्लीज इस वीडियो को यार एक लाइक तो बनता है यार, इतनी अच्छी मैं यहाँ पर रोम लाया हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ यार इसी तरह वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बाकी हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर
डिस्प्ले में जाने के बाद भाई मैंने एनिमेशंस बता दिए आपको यहाँ पर आप डिस्प्ले टाइम बार, तो ये आपको बहुत सारी अलग चीज़ देखने मिल जाती है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। स्टेटस बार में आप जैसे घुसोगे तो यहाँ पर आप देखे तो यहाँ पर तो बवाल मचा हुआ है, यहाँ पर आप देखे तो कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं, आप सबको छेड़खानी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखे तो बैटरी इंडिकेटर आपको ओनली फॉर चार ऑप्शन देखने में मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखे तो कितने सारे मिल चुके हैं। यहाँ पर डू नॉट शो, यहाँ पर आप देखे तो बैटरी शो ही नहीं करेगा आपका कितना है कितना नहीं, ये भी आप कर सकते हो। टॉप बार यानी कि टॉप बार, यहाँ पर आप देखे तो टॉप बार में आ चुका है, ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लू, यहाँ पर येलो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो परसेंटेज ओनली आपको देखने को मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। अब ये जो आइकन है बैटरी के अंदर आ जाएगा, कुछ इस तरह के मिल जाते हैं, और ग्राफिक आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। इसमें सेटिंग्स दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और यहाँ पर ये इसका लेआउट दिया गया, ये वाली जो लेआउट है आप इसको चेंज आउट कर सकते हो कि पहली लाइन में कितना चाहिए, दूसरी में कितना चाहिए, ये सब दिया गया। सो वेदर की, अगर आप सो वेदर को ऑन कर दोगे तो अब क्या होगा, आपका वेदर यहाँ पर शो करेगा जब आप लोकेशन को सेट कर लोगे तब। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लॉक साइज लिखा हुआ, तो जो इसकी क्लॉक है इसकी साइज को आप कितना बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब मैं इसको छोटा कर देता, छोटा कर सकते हैं, और ये देख सकते हो बैटरी परसेंटेज, बैटरी परसेंट जब आप लगाओगे तो इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो, सही तरह से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इतने सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं फुल स्क्रीन मोड मिल जाते तो इसको हम छोड़ देते, ये अलग चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गेस्चर एनीवेयर, तो भाई ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सी बनाता हूँ तो भाई यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा था। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। डिस्प्ले में आप जैसे जाओगे तो आपको ये वाला फीचर देखने को मिल जाता है गेस्चर एनीवेयर, तो यहाँ पर आप जैसे गेस्चर पर आप क्लिक करके यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर ऐप वगैरह आपको कुछ भी करना, शॉर्टकट पर भी आप क्लिक कर सकते हो, शॉर्टकट में आपको क्या ओपन करना है, मान लीजिए ब्लूटूथ, यहाँ पर डिस्प्ले, VPN और यहाँ पर क्या क्या दिया है भाई, बहुत कुछ दिया, तो हम इन सबको छोड़ देते हैं यार, हम चलते हैं भाई ऐप्स की ऊपर। तो ऐप्स पे हम क्लिक करेंगे ऐप यूजिंग, तो हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट में हम जाते हैं सी से, भाई मैंने कैमरा बनाया था तो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब मैं देख सकते हो तो मैंने जी टाइप का बनाया हुआ था, जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा जी टाइप का बनाऊंगा तो क्या हमारे कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो जिस तरह का आप चाहोगे उस तरह का आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये फीचर जो यार मेरे को काफ़ी बढ़िया देखने में लगे, इसलिए मैंने सोचा यार आपको वीडियो बना के बताऊँ। और आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, ये आप देख सकते हो कितना आपको रखना है, कहाँ पर टच करना है, इसकी आप देख सकते हो लोकेशन आपको जिस तरह रखनी ऊपर नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा करना है कितना छोटा, और यहाँ पर आप देख सकते हो राइट एंड लेफ्ट आप इसे जिस तरह करना चाहो उस तरह कर सकते हो। अभी मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे को, क्योंकि मैं टच वच करता रहता इसलिए। तो ये फीचर था, ये आप बताना आपको फीचर कैसा लगा। एक चीज़ जरूर बता दो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पर इधर की साइड आप लेफ्ट में आ रहा है, पहले राइट में आता था अब लेफ्ट में आ रहा है, इस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हो क्योंकि अब हम उसी चीज़ पर जाने वाले हैं। डिस्प्ले में और कोई फीचर नहीं था इसलिए अब हम चलते हैं साउंड एंड वॉल्यूम में। तो साउंड एंड वॉल्यूम में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड एंड वॉल्यूम के आपको अलग अलग ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एडजस्ट द वॉल्यूम बटन, तो ये दिया कि आप जब भी वॉल्यूम को अप एंड डाउन करोगे तो ये जो वॉल्यूम है किसकी कम ज़्यादा हो, तो इन्होंने दिया गया कि जो वॉल्यूम है कि एडजस्ट कर लीजिए आप, या फिर ये मीडिया की हो, नोटिफिकेशन की हो, या फिर रिंगटोन की हो, आपकी मर्जी, आप जिसको सेलेक्ट करना चाहते हो आप उसको कर सकते हो, परमानेंट वो सेलेक्ट हो जाएगा रिंगटोन। अब मैं जब भी वॉल्यूम डाउन करूँगा तो ये आप जो हमारे रिंगटोन होता है, फ़ोन का रिंगटोन होता है, उसी को ये कम करेगा, अदरवाइज वो किसी को कम नहीं करेगा। तो यार इस तरह के इसमें फीचर दिए गए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ गया भाई फीचर, ये रहा वॉल्यूम बार, तो इसको भाई यहाँ पर हम इसको राइट कर देते हो। अब आप देख सकते हो ये मेरा राइट में आएगा, पहले लेफ्ट में आता था अब राइट में आ रहा है, कुछ इस तरह से ये फीचर वर्क करते हैं, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को जरूर से बताना कि आपको ये फीचर किस तरह लग रहे और आप इसको यूज़ कर दिए, और आप देख लीजिए भाई बिल्कुल भी लैग नहीं है। और मैं बता दूँ भाई इसमें बताने के लिए तो यार काफ़ी ज़्यादा फीचर है, पर यार आप देख सकते हो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं अब मैं आपको ज़्यादा फीचर नहीं बताऊँगा। आप इस रोम को इंस्टॉल करना और इस रोम को यूज़ करना, और मेरे को बताना आपको सबसे बढ़िया बढ़िया फीचर कौन से लगे। तो यार मैं आपको छोटे मोटे और फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पर वॉलपेपर्स में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, थीम्स वगैरह मैंने बता दिया था आपको। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें आपको यहाँ पर फेशियल लॉक वगैरह भी देखने को मिल जाता है बाद में आप बोलो। और यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी आप अपने डिवाइस को अनलॉक करोगे तो यहाँ पर वाइब्रेट होगा आपका डिवाइस, जब भी आप अनलॉक करोगे तो अगर आप इसको अनलॉक कर दे तो अपने फ़ोन हाथ में रखा हुआ फेस अनलॉक से अनलॉक करोगे तो वाइब्रेट हो जाएगा, तो अनलॉक करोगे तो वाइब्रेट करेगा, कुछ इस तरह से दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक चीज़ मैं बता दूँ भाई इसमें अभी अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन नहीं है इसलिए इसे दिया नहीं गया है, तो कोई बात नहीं भाई आप देखते हैं भाई MIUI 11 का कोई मेरे को मिलेगा तो मैं बता दूंगा। और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कैटेगरीज भाई, इसमें आपको स्क्रीन टाइम का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि MIUI 11 का ही है। तो यहाँ पर
पर जैसे स्क्रीन टाइम मैंने डिवाइस को लॉक अनलॉक यहाँ पर 9-1 किया है और यहाँ पर आप देख सकते 10 बार मैंने अप कर दिया, तो जैसे ही बैक करूँगा ओपन करूँगा 10 बार हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते 10 बार। तो आपकी डिटेल बताता कि आपने कितनी देर क्या क्या यूज़ किया, यहाँ पर आप देख सकते लॉक इसी की इतनी यूज़ किया, सिस्टम लॉन्चर ये सारी चीज़ें मैंने इतनी इतनी देर यूज़ की। आप देख सकते एनिमेशन इसमें भी चल रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो वही सब कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा अलग चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। और बाकी यहाँ पर स्पेशल फीचर में आपको वही सब गेम टर्बो क्विक रिप्लाइज MIUI 11 इस तरह के आपके फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप इस रोम को यूज़ करो आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि यार अभी मेरे को खुद नहीं पता है, बाकी हो सकता है कि यार कुछ अलग अलग और भी फीचर्स हो, बट भाई मेरे को जो जो मेन फीचर लगे वो मैंने आपको बता दिए। ये जो बार आ रहा है इसको भी आप लगा सकते हो हटा सकते हो, कुछ इस तरह के फीचर्स भी आए हुए हैं इस रोम में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो। TDRP में जाके आपको करना क्या, सब कुछ वाइप कर देना, बस इंटरनल माइक्रो SD कार्ड को छोड़ के सब कुछ वाइप करके फिर इसके बाद इंस्टॉल कर देना, बस इतना सा काम करना है। बस इस वीडियो में तो नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कर जय हिंद जय भारत।